आदिदेव सदाशिव के चरणों में नारद का प्रणाम। आपकी साधना में व्यवधान डालना मेरे लिए उचित नहीं, किंतु विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए मुझे दृष्टता करनी ही पड़ी। देवऋषि, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि विषय महत्वपूर्ण और गंभीर है, तो आपने जो किया वो धृष्टता कैसे? अपने आने का मंतव्य बताइए। प्रभु, दक्षपुत्री देवी सती अत्यधिक व्याकुल और पीड़ित हैं। मुझसे उनकी ये दशा देखी नहीं गई और मैं आपके चरणों में चला आया। उनकी पीड़ा का कारण? नारायण नारायण, ये सर्वविदित है कि आप ही नटराज हैं, किंतु हे महेश्वर, नाट्य विद्या के प्रदर्शन के लिए ये समय उचित नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी आपका अनभिज्ञ होने का नाटक देवी सती के कष्ट में और भी वृद्धि करेगा। आप तत्काल ये बताने की कृपा करें कि देवी सती और आपके विवाह के बीच भ्राता दक्ष का विरोध रूपी विघ्न जो आ रहा है, उसे विफल कैसे किया जाए, उसका उपाय क्या है? किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में नंदावरती कन्याओं की कामना पूर्ति का सर्वोत्तम उपाय है। हे देवऋषि, अब ये मत पूछ बैठेगा कि नंदाव्रत क्या है। हे देवेश्वर, आश्चर्य है, सृष्टि का भार स्वयं पर लिए हुए भी आप विनोदपूर्ण वार्तालाप कैसे कर लेते हैं? नारायण नारायण, देवी सती की आराधना का परिणाम क्या निकलेगा, ये जानना मेरे लिए तो असंभव है, किंतु हे महेश्वर, आपकी लीला आप ही जाने। मेरी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम पूजन में न जाने कहां और क्या कमी रह गई है, जो मेरे आराध्य तक मेरा स्वर नहीं पहुंच रहा, वह इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहे, जो अपने आराध्य से अलग होते हुए होती है। सती, धैर्य रखो सती, तुम्हारी प्रेम में तपस्या निरर्थक नहीं जाएगी, तुम्हारे स्वामी आएंगे, अवश्य आएंगे। ये सत्य कहती है पुत्री, तुम्हारे मन कामेश्वर अवश्य आएंगे, किंतु तभी जिस पल विधाता ने उनका आना निश्चित किया होगा। तो फिर मिलन की उस पल की प्रतीक्षा में मैं तब तक यहां बैठी रहूंगी जब तक मेरे स्वामी आकर मुझे स्वीकार न कर ले। पुत्री, ये बालोचित हार तुम्हें शोभा नहीं देती, चलो घर चले। माते, आप तो स्वयं स्त्री हैं, किसी की पत्नी भी है, आप भी मेरी विरह जनित व्याकुलता को नहीं समझ पा रही। समझती हूँ पुत्री, किंतु तेरे पिता का क्रोध मुझे भयभीत कर रहा है, किसी अमंगल की कल्पना मुझे आतंकित कर रही है। ये हक उचित नहीं पुत्री, घर चल। नहीं माते। नारायण नारायण, प्रणाम देवी, मंगल हो, मंगल हो देवियों, मंगल हो। देवी सती, आपके लिए देवाधिदेव भोलेनाथ शिवशंकर का एक संदेश है। शीघ्र सुनाइए देवर्षि। आपके और उनके विवाह के बीच जो बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए नंदाव्रत करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नंदाव्रत? हाँ, मन चाह पति पाने की दिशा में नंदाव्रत एक सिद्ध उपाय है, यही महेश्वर का कथन है। देवियों, चाहे तो आप भी इसका प्रयोग कर सकती है। नारायण नारायण, शीघ्र बताइए ना देवी जी, इस व्रत को करने का विधि विधान क्या है? बताइए बताइए। हम लोगों को ठिठोली सूझ रही है और मेरे यहाँ प्राण जा रहे हैं। माते, कृपया आप घर के लिए प्रस्थान करें और ये नटखट भैरों को भी अपने संग ले जाएं। किंतु हमें भी तो व्रत की विधि सीखनी है ना माते। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्री हो। कल्याण हो। शीघ्र बताइए देवऋषि, व्रत की विधि क्या है? बताइए देवऋषि। नारायण नारायण, व्रत की बात
शांतिपूर्वक सुननी होगी। देवियों इतने उतावली मत बनो, मैं आपको व्रत की विधि अवश्य बताऊंगा, परंतु आप सबको मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या देव ऋषि? सबसे पहले देवी सती नंदा व्रत करेंगी और इनका व्रत पूर्ण होने तक आप सब इनकी हृदय पूर्वक सहायता करेंगी और व्रत की विधि का इन्हें स्मरण कराती रहेंगी, क्योंकि यह व्रत एक वर्ष में पूर्ण होगा और एक वर्ष तक तिथियों के अनुक्रम से विविध सामग्रियों से आपको भगवान महेश्वर का पूजन एवं स्मरण करना होगा। जागरण के साथ साथ उपवास भी करना होगा। अन्य विधियां आपकी बहनों को मैं अवगत करवा दूंगा, ये आपको स्मरण कराती रहेंगी। मुझ पर आपने जो उपकार किया है उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी देव ऋषि। सुलेखा, सुलेखा। जी महाराज। तुम्हारी स्वामी कहाँ गई है? वो नदी स्नान को गई है महाराज। नदी स्नान? वो भी इस कुबेला में? नहीं नहीं, कदाचित भी राजकुमारी सती के साथ है, वो तो वहाँ नित्य जाती ही है ना। स्वामी आ गई महाराज। ठीक है, तुम जा सकती हो। महारानी, सती कहाँ है? वो अपनी बहनों के साथ संध्या भ्रमण के लिए गई है। संध्या भ्रमण? हाँ। या नदी भ्रमण? हम सभी नदी तट पर थे, मैं, सती और उसकी बहनें। परंतु महारानी, मेरी अन्य पुत्रियां और तुम तो आ गई हो, सती को अकेली कहाँ छोड़ आई? मैं जानता हूँ महारानी कि सती वहाँ क्या कर रही होगी, वो वहाँ शिव नाम के खिलौने बनाकर उनके साथ खेल रही होगी। स्वामी ऐसी बातें मुख पर ना लाइए, शिव के प्रति सती की भावना को खेल ना कहिए। महारानी, ये माना कि सती की आयु अभी उचित अनुचित का भेद करना नहीं जानती, परंतु तुम उसे प्रोत्साहन दे रही हो, तुम उसे जानबूझकर ऐसी दिशा की ओर जाने की अनुमति दे रही हो जहाँ दुख ही दुख है, काटे ही काटे हैं। स्वामी यदि आप उसके पिता हैं तो मैं उसकी माता हूँ, मैंने 9 महीने उसे गर्भ में रखा है, पालन पोषण करके बड़ा किया है, क्या मैं अपनी पुत्री को सुखी देखना नहीं चाहती? महारानी, यदि ऐसा होता तो तुम स्वप्न में भी अपनी पुत्री के लिए ऐसे पति के विषय में ना सोचती जो गृहस्थ धर्म का पालन करना ही नहीं जानता, जो पर्वत श्रृंखलाओं पर बैठा भभूति रमाए बागंबर लपेटे अपने भयंकर गणों के साथ योगियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हो। ठीक है महारानी, ठीक है, मैं अभी इसी समय सती को बलपूर्वक यहाँ ले आता हूँ। नहीं स्वामी नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, विधाता के लेखे को चुनौती मत दीजिए, सती की साधना भंग करके पाप के भागी मत बनिए, आपका ये एकमात्र पाप आपके जीवन भर के पुण्यों का फल आपसे छीन लेगा। चिंता छोड़िए स्वामी और परिस्थितियों की नौका को समय की धारा में छोड़कर निश्चिंत हो जाइए और सती को उसकी आराधना करने दीजिए। स्वामी सती को उसकी आराधना करने दीजिए।
आशा इसमें मौन ही बन जाता है अपने आप में भाषा। निश्चय ही वो आके देंगे तेरे इस जीवन को गति, तेरे इस जीवन को गति। सुन रे सती, सुन रे सती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समर्पण एवं निष्ठा भाव से किए गए तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हुए हैं। कहो दक्ष नंदिनी, किस प्रयोजन से तुमने इस कठोर व्रत का पालन किया? कहो अपनी मनोकामना। तुम अभीष्ट वर की अधिकारिणी हो। मुझे अभीष्ट वर प्राप्त होगा ना भगवान? अवश्य होगा। कहो दक्ष पुत्री, क्या इच्छा है? हे सर्वज्ञ सर्वव्यापिक अंतर्यामी, मेरे मन का सत्य आपसे छिपा नहीं है। मैंने बाल्यकाल से पति रूप में आप ही की कामना की है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी इच्छित नहीं है भगवान। तथास्तु। सती, तुम्हारा और हमारा अभिष्ट भिन्न नहीं है। तुम्हारा अर्धांगनी रूप ही जगत के लिए कल्याणकारी होगा। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई।
मेरे अभीष्ट और अपने वरदान की पूर्ति के लिए प्रभु आप शीघ्र ही मेरे पिताश्री से इस संबंध को निश्चित कर विवाह का आयोजन करें। ऐसा ही होगा प्रिय। पिताश्री मेरा व्रत सफल हो गया। पिताश्री मेरी तपस्या सार्थक हुई। सती अपनी चेतना में लौटाओ। पिताश्री मैं तो पूर्ण रूप से चेतन हूँ। मेरी साधना की सफलता ने तो मुझे और चेतन कर दिया है। पिताश्री सती प्रलाप बंद करो। अब तो आलाप आरंभ हुआ है पिताश्री। आलाप दिव्य सुर और मधुर झंकार से पूर्ण आलाप। भगवान शिव ने मुझे अर्धांगिनी स्वीकार करने का वरदान दिया है पिताश्री। मुझे वरदान दिया है। वरदान तुम्हें अर्धांगिनी बनाने का है? क्या उस भस्म लिप्त देव को हम अपना जामाता बनाएंगे? कदापि नहीं सती। हम ये वरदान फलित नहीं होने देंगे। रोहिणी रोहिणी कुछ कहो ना कहो। तुम्हारे खिले खिले मुख की एक एक रेखा ये उद्घोष कर रही है कि तुम्हें तुम्हारा मनमीत मिल गया है। जल्दी बताओ ना सती, नंदा व्रत का प्रयोग क्या सफल हुआ? शीघ्र बताओ ना सती, फिर हम भी अपने मनचाहे पति को पाने का प्रयास आरंभ करें। हाँ, मेरा व्रत सफल हो गया है। मेरे आराध्य ने मुझे दर्शन दिए और कहा वे शीघ्र ही मुझे पत्नी रूप में वरण करेंगे। परंतु सती, पिताश्री इस विवाह के विरुद्ध हैं। कहीं ऐसा ना हो। शिव जी का वचन मिथ्या नहीं होता बहन। जब संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में मानता है तब उनके मुख से निकले वचन असत्य हो ही नहीं सकते। सत्य और सुंदर स्वरूप भोलेनाथ, श्री शिव शंकर के चरणों में ब्रह्मा का प्रणाम। कैलाश में आपका स्वागत है ब्रह्मा जी। आपके लिए एक शुभ समाचार है। दक्ष पुत्री और आपकी पौत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का वचन दे दिया है। अपने और मेरे बीच इस नवीन संबंध के जुड़ने की सूचना देकर आपने मेरा मन प्रसन्न कर दिया प्रभु। मैं आपका अति आभारी हूं। इतना अधिक भी प्रसन्न मत होइए ब्रह्मा जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रसन्नता आप तक ही सीमित रह जाए। आपके कहने का तात्पर्य क्या है सदाशिव? आपके पुत्र दक्ष प्रजापति का मन मुझसे विमुख है। इस विवाह के लिए उनसे स्वीकृति लेना अब आपका ही उत्तरदायित्व है। आप निश्चिंत रहिए शिवशंकर जी, वैसा ही होगा जैसे आपकी इच्छा है। आपने मेरी पौत्री को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करके मुझे और सती दोनों को कृतार्थ किया है। मैं पुत्र दक्ष स्वयं अनुरोध करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस अनुरोध को आज्ञा मानकर इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बैरागी औगढ़ शिव से कभी नहीं करूंगा। समस्त ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे ये कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कदापि बाध्य नहीं कर सकती, कदापि नहीं। पुत्र दक्ष। पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जिस शक्ति को अपना आराध्य समझती हो उन भोलेनाथ की आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना ही होगा पुत्र। इस विवाह को तुम रोक नहीं सकते। पिताश्री, शिव प्रेम के दंश ने सती को तो बुद्धि भ्रष्ट कर ही दिया है, परंतु उसकी मां अर्थात आपकी पुत्र वधु वीरनी की भी मति हर दी है। पिताश्री, अब आप ही समझाइए इन माता पुत्री को। समझाने तो हम तुम्हें आए हैं पुत्र, इस विवाह में बाधक मत बनो।
इसे हमारी भी आज्ञा समझो। ये आप कह रहे हैं पिताश्री? हाँ, ये हम कह रहे हैं। ये जानते हुए भी कि राजकुल में जन्मी पली बढ़ी आपकी पोत्री को इस विवाह से केवल कष्ट ही कष्ट होने वाले हैं। तुम्हारा यह सोचना सर्वथा अनुचित है दक्ष। तुम तो एक राजा हो, मात्र एक राजा। संसार के समस्त राजघरानों की वैभव संपदा को यदि तुम एक पलड़े में डाल दोगे तब भी भगवान शिव के वैभव और उनकी गरिमा का पलड़ा उससे कहीं अधिक भारी होगा। परमपिता, यदि आपका कहा मान भी लिया जाए तो भी विधि के अनुसार मुझे सती की अन्य बहनों का विवाह पहले करना होगा। उसका विवाह तो तभी हो सकता है जब मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ रहा हूं पुत्र दक्ष, परंतु सती आदिशक्ति का अवतार है और शिव सती का विवाह विधाता का अटल विधान है। तुम्हारी इच्छा हो या न हो तुम इसे रोक नहीं पाओगे। मेरा कहा मानो और सहर्ष इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र, वस्त्र दक्ष, स्वीकृति दे दो, स्वीकृति दे दो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र, और सर्वप्रथम ये शुभ समाचार हमारी पुत्रवधु और पौत्रियों तक पहुंचा दो जिससे उनके अशांत हृदय को शांति मिले। शांति और धैर्य ही नारी के आभूषण है। इस तरह विचलित मत हो सकती, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माते, मेरा मन अत्यंत व्यथित है। मेरी व्यग्रता चिंता बनकर मेरे मन को खाए जा रही। अरे सती, यू मूलत काहे क्यों खड़ी हो? नाचो गाओ, मोद बनाओ। पिताश्री ने तुम्हारी मन की इच्छा को स्वीकृति दे दी है और भगवान शंकर से तुम्हारे विवाह की घोषणा भी कर दी है। माते, माते, ये क्या सती, जब तुम्हारी तपस्या का फल मिला तो तुम रो रही हो? माते, ये मात्र मेरी तपस्या का नहीं, आपकी ममता और आपके प्रेम का भी फल है। यदि आप पिताश्री को अपने तर्कों से निरस्त न करती तो ये क्षण आने में न जाने कितने योग बीत जाते और आपकी पुत्री भोलेनाथ को पाने के लिए सदा सदा के लिए असमर्थ हो जाती। माते, शौची किशोरियों जैसी लालिमा कहां से आ गई? महेश्वर, कहीं आपने अपने अंतर्मन में देवी सती को तो नहीं छुपा रखा? नारायण नारायण। देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम। शिव शंभू, उस दिन आपने मुझे एक शुभ समाचार दिया था, आज मैं आपको एक समाचार दे रहा हूं। मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव शंकर की जय। देवी सती की जय। भगवान शिव शंकर की जय। देवी सती की जय। पुत्र नारद, अब मैं उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूं।
ये सभी देवताओं को शिव सती विवाह में पधारने का आमंत्रण दे दूं। अवश्य अवश्य परमपिता अवश्य, मैं ये मंगल कार्य शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे जगदीश्वर, हे भक्त वत्सल, इस अकिंचन नारद का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा मंगल हो नारद, कहो कैसे आना हुआ? परम पिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मैं आपको शिव सती विवाह के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। धन्य हो गए हम, यह सुनकर अति आनंद हुआ। प्रभु, सर्वत्र आनंद और हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है, परंतु आशंका ये भी है कि विवाह उपरांत ससुर जामाता अर्थात राजा दक्ष और देवाधिदेव शिवशंकर के संबंधों में सुधार आएगा या नहीं? जीव या पदार्थ कोई भी हो, बड़ी कठिनाई से अपना स्वभाव छोड़ता है। अब विधाता के विधान गर्भ में क्या छिपा है, यह तो समय आने पर ही ज्ञात होगा। हे सर्वज्ञ, हे अंतर्यामी, सब कुछ जानते हुए भी आप अनभिज्ञ बन रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, इस शेष शैया पर देवी महालक्ष्मी कब विराजेंगी, तो क्या तब भी आप यही कहेंगे? विधाता जाने। नारद, सत्य तो यह है कि घटनाक्रम में कुछ नवीन मोड़ आने वाले हैं, उनके बाद ही देवी लक्ष्मी का आगमन संभव है। इस समय का घटनाक्रम ये कहता है कि हम शिव सती पुरुष और प्रकृति के अद्भुत मिलन का आनंद मनाएं। नारायण नारायण।
मैं अपनी पुत्री को वधू वेश में देखकर आ रही हूँ। कितनी सुंदर लग रही है वो, उसके मुख की शोभा तो देखते ही बनती है। हे प्रभु, मेरी पुत्री का मंगल करना, उसे परम सुख और सौभाग्य देना। ये क्या, आपकी पुत्री का विवाह है और आप प्रसन्न नहीं? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी और पिताश्री की इच्छा से हो रहा है, और मैं जानता हूं कि सती के मुख पर आज जो आभा है वो कल धूमिल पड़ी जाने वाली है। हमारी पुत्री को इस विवाह से केवल दुख और निराशा ही मिलने वाली है। ऐसे ऐसे अशुभ वचन न बोलिए स्वामी, प्रभु से प्रार्थना कीजिए हमारी पुत्री सदा सुखी और सौभाग्यवती रहे, उसका जीवन मंगलमय हो। त्रिपुरारी, वर वेश में तो आप इतने मोहक लग रहे हैं कि भ्राता दक्ष के अन्य कन्याओं को देवी सती के भाग्य से ईर्ष्या होने लगेगी। दक्ष प्रजापति के भ्राता होने के नाते आपको उनके अन्य कन्याओं की चिंता भी अधिक रहती है। नारायण नारायण, वो क्या है प्रभु, मैं और परमपिता ब्रह्मा वर और वधु दोनों ही पक्षों से संबंधित हैं, इसीलिए एक पांव यहां और एक पांव वहां। श्रीहरि, यदि कुपित ना हो तो एक प्रश्न पूछूं। नारद, भक्तों से कुपित होने का तात्पर्य है हमसे हमारे भक्त वत्सल संबोधन का छिन जाना। कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रभु, आज महेश्वर भी अपना योगी रूप त्याग कर सांसारिक बनने की दिशा में उन्मुख हैं। श्रीहरि, आपको सांसारिक रूप में देखने के लिए देवी महालक्ष्मी को और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? नारद, हर घटना का पता हमसे अधिक ब्रह्मा जी को रहता है, आप इन्हीं से पूछिए। अवश्य प्रभु, अवश्य। परमपिता ब्रह्मा, कृपया ये बताएं, निकट भविष्य में किसका विवाह होगा, कौन वर होगा, कौन वधु? पुत्र नारद, जो हो रहा है उसे देखो और आनंदित रहो। तुम भविष्य की चिंता में उलझकर इस सत्य और सुंदर वर्तमान के सुखद क्षणों को मत गवाओ। किंतु पिताश्री। पुत्र, भावी घटना के विषय में किसी को बताना विधि के विधान के विरुद्ध है। उचित है पिताश्री। नारद, कदाचित आपको यह ज्ञात नहीं कि किसी के विवाह पर किसी अन्य विवाह की चर्चा करना नीति के विरुद्ध है। श्री हरि, इस अज्ञानी को क्षमा करें। नारायण नारायण। पुत्र नारद, बारात से पहले हमारा दक्ष महल पहुंचना आवश्यक है। जामाता के नाते आज हमें शिव शंकर का स्वागत करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त होगा। जो आपकी आज्ञा पिताश्री। प्रभु, शुभ घड़ी बीती जा रही है, आइए प्रस्थान करें। जय शिव शंभु। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बधाई हो महाराज दक्ष प्रजापति, पुत्री सती के वधु बनने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज राजा दक्ष का वो स्वप्न पूरा हुआ है जो किसी कन्या के जन्म के साथ माता पिता के नायनों में जन्म लेता है। महाराज जी ने अपनी कन्या के लिए वर चुना भी तो कैसा, जिसका तीनों लोकों में कोई पर्याय नहीं।
अति सुंदर, मनहर, निर्मल, निश्चल भोले शंकर। सती के पति के रूप में उन्हें पाकर आपका जीवन यथार्थ में पावन हो गया राजन। आपके मन की गति इस समय स्थिर ही नहीं होगी। हाँ, हमारे मन की गति इस समय स्थिर नहीं है श्रीमान। किसी को कुछ भी उसकी अपेक्षा के विपरीत यदि मिल जाए तो उसके मन की गति स्थिर रह भी नहीं सकती। पुत्री को योग्य वर मिल जाए, उसका जीवन मन भावन पति के संग हर्षोल्लास से व्यतीत हो, हर माता पिता की यही कामना होती है राजन। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री, कल्याण हो। प्रणाम भ्राता दक्ष। प्रणाम। नारद जी, हम तो समझे थे कि आप वर की ओर से विवाह में सम्मिलित होंगे। नारायण नारायण। भ्राता दक्ष, मैं पिता की आज्ञाकारी संतान हूँ। जब पिताश्री शिवजी के साथी होने के नाते वर यात्रा की निकासी में गए तो मैं इनके पीछे पीछे चला गया, और अब आपके पिताश्री होने के नाते बारात के स्वागत हेतु जब यहाँ पधारे तो मैं इनके साथ यहाँ चला आया। परंतु जिस समय बारात यहाँ होगी उस समय किस ओर रहोगे नारद जी? नारायण नारायण। पिताश्री पिताश्री, बारात आ गई है। पधारिए पधारिए भ्राताश्री पधारिए। क्या ये वही शिव है जो पवित्र रमाए नंग धड़ंग पैगंबर पर बैठा कैलाश पर योग साधता रहता है? अरे तो किसी राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा है। ये सब कैसे हो गया? अगर शिव और राजकुमार। नारायण नारायण। भ्राताश्री किस सोच में पड़ गए? अभी तो आपने प्रभु का वो रूप देखा ही नहीं जिसके दर्शन पाकर आप धन्य हो जाओगे। नारायण नारायण। पंचमुखी शंकर, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? भ्राता दक्ष, आपका मुख श्वेत गणों से भर उठा है, आप भयभीत से लग रहे हैं। नारद, अति सुंदर है। आप कुछ कहना चाहते हैं? वो नारायण नारायण। नारायण नारायण। शिव लीला के चमत्कारों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं भ्राता दक्ष। आपके जमाता शिव ही नहीं सत्य और सुंदर भी हैं, और इसी सगुण रूप में वो दर्शन देते रहेंगे। आइए पधारिए। नारायण
सती 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 बारात आ गई है। हाँ, बारात आ गई है। मैं अभी अभी शिव शंकर भोलेनाथ को वर के रूप में देख कर आ रही हूँ। सती, तू जब शिव शंकर का बखान करती थी तो हमें विश्वास ही नहीं होता था, परंतु आज देखा तो लगा तो कितनी सौभाग्यशालिनी है। अच्छा, पर ये तो बता, वर राजा है कैसे? उनके रूप स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना अत्यंत कठिन है, पर जो देखा सो ये कि जिन्होंने हमारी भुवन मोहिनी सती का चित चुराया है वो कर्पूर गौरवर्णीय है। ऐसे विशाल सरस नेत्रों वाले हैं कि जिसमें संसार भर का प्रेम और करुणा निहित है। उनकी मंद मंद स्मित पल्लवित पुष्पों के समान सुवासित है और उनका संपूर्ण अस्तित्व हमारी प्रिय सती का वर्णन करने को आतुर है। सौभाग्य आकांक्षिणी सती को विवाह मंडप में बुलवाइए। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी, बेटी सती, अब वो क्षण आ गया है जिस क्षण भाग्यशालिनी सौभाग्यशालिनी बन जाती है। आओ बेटी। सम्मुख वीरनी सुजन को दक्ष प्रजानापति स्नात्वा पावन कंखले सुविदिते क्षेत्रे चके पावने कारुण्येन समन्वितैश्च कुलजैः वैवाहियते तां सतीं अध्यात्मा शिवशंकर परिणये कुर्वन्तु शां देवतः। शिव शंकर, अब अपने शुभ हाथों से यह सौभाग्य सिंदूर सती की मांग में भरकर इसे सौभाग्यवती बनने का दिव्य रूप भी दे दीजिए। कालानां त्रितयः महापशुपतिश्चादौ शिव सर्वथा तेनैवाभिहितं सुलोककरणं
दीप्ति करम ब्रह्मणे अग्रे संस्रुति कार्यभार वहनम दत्तम महाविष्णवे सोयात स्वयमेव विग्रहधरो। आज से आप और मेरी पौत्री सती पति पत्नी हुए। धन्य हो शिव सती का ये मिलन मंगलमय हो। बोलो शिव सती की जय। शिव सती की जय। शिव सती की जय। श्रीहरि यू टकटकी बांधे क्या देख रहे हो प्रभु? देख रहा हूँ शिव सती की एक रूपता को जो चिरंतन है शाश्वत है। सभी देवी देवगणों की उपस्थिति के मध्य सदा शिव और देवी सती का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात देवगणों ने जगत के कल्याण तथा स्वयं की स्थिति को सुदृढ़ करने का निश्चय करते हुए अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी पिताश्री, यदि आप कहें तो। नारायण नारायण। भ्राता दक्ष आप बधाई के पात्र हैं। आपकी दक्षता में अतिथियों के मान सम्मान की व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि तीन दिन कैसे व्यतीत हो गए आभास ही नहीं हुआ। धन्यवाद। सचमुच ये तीन दिन तो तीन पलों के समान व्यतीत हुए। दक्ष जितने मनहर आपके जमाता शिव हैं, उतना ही सुंदर रहा आपका आतिथ्य सत्कार। सत्य है जगदीश्वर, आपका कथन पूर्ण रूप से सत्य है। अब आपका क्या विचार है प्रभु? विचार? कैसा विचार देव ऋषि? यही कि दक्ष प्रजापति का आतिथ्य कुछ दिन और स्वीकार करे तो कैसा रहेगा? नारद तुम तो दक्ष प्रजापति के भ्राता होने के नाते घराती भी हो और शिव की बारात में आए हो तो बाराती भी, परंतु किसी भी बारात का तीन दिन से अधिक वधू के पिता गृह में रुकना मर्यादा के विरुद्ध है। हम इसी समय ब्रह्मा जी से अनुरोध करेंगे कि वे बारात विदाई की तैयारी करें। चलो नारद। ब्रह्मदेव आपसे अनुरोध है कि सती के पितामह होने के नाते अपनी पुत्री को जामाता शिव के साथ विदा करने का उपक्रम करें। श्री हरि हमने आपके अनुरोध से पहले ही बारात विदाई का आदेश दे दिया है। पुत्र दक्ष देखो अब इस कार्य में और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। पिताश्री यूं तो पुत्री सती की विदाई का पूर्ण प्रबंध किया जा चुका है, परंतु मैं स्वयं जाकर देखता हूं। श्री हरि शिव शक्ति का यह युगल युग युगांतर तक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पुत्री सती आज तुम पितृ ग्रह से इच्छित वर पाकर विदा हो रही हो। कैलाश जाकर कैसा जीवन व्यतीत करोगी ये सोच सोच कर मेरा मन पिता होने के नाते चिंतित रहेगा। पिताश्री आप मेरे सुखों के विषय से कभी शंकित मत होइएगा। पति के साथ रहते हुए आपको दिखाई देने वाले कष्ट मेरे लिए सुखकारी होंगे। पुत्री तुम्हारा सुख सौभाग्य ही मेरा संतोष है। अपने स्नेह की गरिमा से अपने पति के जीवन को मंगलमय कर देना। चलो पुत्री चलो। विदाई की वेला में
सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज आप पधारिए, मैं सती को लेकर आती हूँ। सदा सुखी रहो। बहन तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई इसका हमें हर्ष है, किंतु तुम्हारे वियोग का दुख भी है। कैलाश जाके हमें भूल न जाना। रोहिणी रोहिणी तो सभी सदा मेरे मन में रहोगे। तेरे बिना ये प्रांगण बहुत सुना सुना लगेगा सती। Thank you.
सती की जय। भगवान शिव शंकर की जय। माता सती की जय। भगवान शिव शंकर की जय। माता सती की जय। भगवान शिव शंकर की जय। माता सती, आपका कैलाश में स्वागत है। मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ, अब हमें आज्ञा दें।